हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इन्फॉर्मेशन इम्पीरियल अमेज़ॉन पैरट्स की। इम्पीरियल अमेज़ॉन दुनिया के नायाब परिंदों में से एक है जिनकी आज हम बात करेंगे। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये किन इलाकों के मकामी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, वाइल्ड में कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, कौन सी खुराक खाते हैं और केज में आप किस तरह इनकी देखभाल कर सकते हैं, कैसे इनकी खुराक की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, और बात होगी इनके अफसाइश नस्ल के बारे में इनकी सेहत के हवाले से। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अब हम मज़ीद वक्त जाए के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इम्पीरियल अमेज़ॉन को डोमिनिकन अमेज़ॉन, अगस्त अमेज़ॉन या सिसिरो तोते के नाम से भी जाना जाता है। इस तोते को डोमिनिका के कौमी परिंदे के तौर पर पहचाना जाता है। ये शर्मीले और पुरकशिश तोते कई लाख सालों से इस जजीरे पर आबाद हैं। ये 70 साल या उससे भी ज़्यादा ज़िंदा रह सकते हैं, ताहम जंगल में इनकी ज़िंदगी का दौरानिया बहुत कम हो सकता है। इम्पीरियल पैरेट करेबियन जजीरे डोमिनिका के लेज़र एंटलीस के मुकामी हैं, जहां ये 2100 फुट से ऊपर पहाड़ी जंगल के इलाकों में आबाद हैं। इस हैरतअंगेज़ तोते के 100 से भी कम परिंदों की सिर्फ एक छोटी सी आबादी ही रहायशगाह के नुकसान, पालतू जानवरों की तजारत और समंदरी तूफान जैसी कुदरती आफात से बच पाई है। अब ये परिंदों के खतरे से 2-4 नस्लों में से एक हैं। जंगल में ये ज़्यादातर जोड़े या ग्रुप्स में पाए जाते हैं। बाज़ औक़ात ये दूसरी नस्लों के साथ छोटे रेवर्ड्स बनाते हैं और उनके साथ मखलूत कॉलोनियाँ बनाते हैं। ये ऊंचे दरख्तों की चोटी पर बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि ये आमतौर पर जंगल में ऊंची जगहों पर खामोशी से आराम कर रहे होते हैं या खाना खाते हैं, इसलिए इनका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ख़ास तौर पर इसलिए भी कि ये अपने बालों से अच्छी तरह छुपे हुए होते हैं। ये तोतों की शर्मीली और मुहतात नस्ल है, जो कि चुस्त कोहे पीमा और मज़बूत उड़ने वाले तोते हैं। ये दरख्तों के गाँव में घोंसले बनाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के बीज और फल खाते हैं। ये तोता आबादी वाले इलाकों में बहुत कम नज़र आता है और ये बुनियादी तौर पर ऊंची जगहों पर बारिश के जंगलात में ही पाए जाते हैं। इम्पीरियल तोता अमेज़ॉन की नस्ल का सबसे बड़ा रुकन है, जिसकी जिस्मानी लंबाई औसतन 18 इंच तक होती है, जिसमें इसकी दुम भी शामिल है। इनका वज़न तकरीबन 2 पाउंड होता है। जब परों को फैलाया जाता है तो सिरे से सिरे तक का फासला 30 इंच का होता है। इनका खूबसूरत सब्ज और अर्गवानी रंग है, जिसमें सब्ज हल्के जामनी रंग के गर्दन, सब्ज टिप के साथ सुर्ख दुम और निचला हिस्सा अर्गवानी होता है। सर बुरा जामनी रंग का होता है। कानों को डांपने वाले पंख यानी कानों के पर्दे सुर्खी माइल भूरे होते हैं और गाल जामनी भूरे होते हैं, जिन पर तंग स्याह किनारे होते हैं। खमीदा चूंच भूरे रंग की और आयरसिस नारंगी सुर्ख और पांव सुरमई होते हैं। नर और मादा दोनों दिखने में एक जैसे नज़र आते हैं, यानी इनको देखकर इनके नर और मादा होने का फ़र्क नहीं किया जा सकता।
इनके जीन्स का पता करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाने की जरूरत होती है। चिक्स भी बालिगों की ही तरह दिखाई देते हैं, लेकिन उनका सर और नेक के पिछले हिस्से सब्ज होते हैं। उनके गालों के पिछले हिस्से भी सब्ज रंग के और उनके आयरसिस भूरे होते हैं। ये तोता जिंदगी भर साथ रहने के लिए साथी बनाता है और ये बहुत वफादार होते हैं। एक तोता सिर्फ उस वक्त दूसरा साथी तलाश करता है जब उसका साथी मर जाता है। कैद में इनसे अफसाइश नस्ल अब तक हासिल नहीं की जा सकी और इसे बहुत कम कैद में रखा जाता है। ये परिंदे की दूसरी नस्लों की तरह सख्त नहीं होते, इन्हें बहुत एहतियात और देखभाल की जरूरत होती है। इनमें से बहुत से परिंदे सिर्फ चंद माह कैद में रहने के बाद मर जाते हैं। ताहम मुनासिब देखभाल एवियन डॉक्टर के जरिए एहतियात के साथ निगरानी करने के अलावा गर्म पनाहगाह वाले इलाकों में एक खुला केज इनको प्रोवाइड करने से कैद में भी रखा जा सकता है। काफ़ी इलाकाई होते हैं और अफसाइश के मौसम में अपने घोंसले के इलाके का दफा करते वक्त जारहाना हो सकते हैं। क्योंकि इनकी आबादी बहुत कम है तो इन्हें हमारे तहफ़ और देखभाल की ज़रूरत है। इन्हें किशादा रहाइशगाह में रखा जाना चाहिए ताकि ये कैद महसूस ना करें और इनके मादूम होने के शदीद ख़तरे की वजह से कैद में मौजूद किसी भी इंपीरियल अमेज़ोन को अफजाइश नस्ल के प्रोग्राम में रखा जाना चाहिए ताकि इन तोतों को मादूम तोतों की तवील फहरिस्त में शामिल होने से रोका जा सके। सिसिरो तोते आम तौर पर दीगर अमेज़ोन की नस्लों की तरह ज़्यादा मुतहरिक नहीं होते, लेकिन ये मजबूत चबाने वाले होते हैं और नहाने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अपने पालतू जानवरों को नहाने के महफूज मौका ज़रूर फ्राहम करें। इनका अफजाइश का मौसम मार्च में शुरू होने का इम्कान है जो कि जुलाई तक रहता है। जंगल में ये लंबे लंबे दरख्तों में घोंसला बनाना पसंद करते हैं। 30 से 35 इंच खुले सुराखों में घोंसला बनाते हैं जिनका दाखली सुराख तकरीबन 18 इंच होता है। मादा 1 से 2 अंडे देती है। इन तोतों को खुली रहाइश की ज़रूरत होती है। चूंकि ये मजबूत चबाने वाले होते हैं इसलिए इनके लिए धात के बने हुए केजेस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इनके लिए नेस्ट बॉक्स का साइज 14x14x48 तक होना चाहिए। इनकी कुदरती रहाइशगाह में इंपीरियल अमेज़ोन की खुराक बीजों, खजूर के फल, गिरीदार मेवे, फल, फूल, कलियां और बेर पर मुश्तमिल होती है। कैद में इन्हें फलों और सब्जियों की खुराक खिलाई जानी चाहिए। अच्छे मियार के मिक्स बीज जिनमें ज़ोफ़रान, जई, गंदम, भंग के बीज, कनीरी, घास के बीज, बाजरा और कुछ सूरजमुखी शामिल हैं वो इनको दिए जा सकते हैं। गिरीदार मेवे की थोड़ी मिकदार भी बाकायदगी से इनको फ्राहम की जानी चाहिए। बिस्किट और ग्रीन फूड भी इस तोते की खुराक में कीमती गजाई अज्जा शामिल करते हैं। इनकी रोज़मर्रा की खुराक में अच्छे मियार के विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट को शामिल किया जाना चाहिए। ये तोता मोटापे की तरफ माइल हो सकता है अगर इनको वर्जिश के खातिर ख्वाह मौका ना फ्राहम किए जाएं। अंकुरत वाले बीज सेहतमंद होते हैं क्योंकि अंकुरत बदलती रहती है और बीजों और अनाज की गजाइत के मियार में इजाफा करती है और इनमें चिकनाई भी कम होती है, तो ये अफजाइश के परिंदों के लिए अहम हैं। बेहतर और मुनासिब देखभाल से इनको एक लंबे अरसे तक ज़िंदा रखा जा सकता है। सो व्यूवर्स, ये थी इंपीरियल अमेज़ोन की इन्फॉर्मेशन।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।